Hey my TVS की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लेह पैकेज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग आपको पेंगोंग लेक के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। और अगर आप इस पैकेज को बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ट्रैवल कंपनी को कॉल करिए, संपर्क करिए व्हाट्सएप पर, और अगर अच्छा लगता है तो इस पैकेज को तुरंत बुक करा लीजिए। आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा लेना चाहते हैं तो YT भारत चैनल को आज जाके सब्सक्राइब करें। नीचे देखिए ना, रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, जाके क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और हमेशा YT भारत चैनल पर बने रहें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह से आगे बहुत सारे डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लेकर के आता रहूं। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं लेह पैकेज को। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वंडर्स ऑफ लद्दाख, जिसके अंदर हम आपको 6 नाइट 7 डेज में लेह और लद्दाख की बहुत ही सुंदर जर्नी पर लेकर के चलेंगे। और प्राइस इतने ज़बरदस्त होने वाले हैं, जिसमें आपको इतनी बेहतरीन फैसिलिटी मिलेंगी कि अगर आप प्लान बना रहे थे तो इस पैकेज को लिए बिना नहीं रह पाएंगे। आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बेस्ट सीज़न क्या होता है लेह लद्दाख को विजिट करने के लिए। वैसे तो मई और जून होता है, लेकिन ये पैकेज आपका खुला हुआ है मई से लेकर के सितंबर के बीच में। टेंटेटिव आइटनरी आपको हम बताने जा रहे हैं, एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले डे वन पर आप अराइव करेंगे लेह एयरपोर्ट पर। अराइव एट लेह एयरपोर्ट, अ रिप्रेजेंटेटिव विल ग्रीट यू अपॉन अराइवल एट लेह एयरपोर्ट। आपको जो भी रिप्रेजेंटेटिव है इस पैकेज का, वो आपको जा करके पिकअप करेंगे, होटल पे ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आपको एक्लेमेटाइज होने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा। पूरे दिन आप रिलैक्स करिए, इवनिंग में विजिट करिए शांति स्तूपा, जो ब्यूटीफुल स्तूपा है, विच होल्ड्स द रैलिक्स ऑफ बुद्धा, इट इज़ अ रिलीजियस अट्रैक्शन। डिनर करिए, उसके बाद ओवरनाइट स्टे करिए अपने लेह के होटल में। दोस्तों, एक चीज़ है कि आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ता है लेह के अंदर, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, तो उसके लिए एक दो दिन आपको यहाँ पर रुकना ही चाहिए अगर आप किसी और जगह पर जा रहे हैं जो इससे ज़्यादा हाइट पर है। इसके बाद डे टू पर चलते हैं, जिसके अंदर आपको लेह की लोकल साइट सींग करवाया जाएगा। आइए इसकी पूरी डिटेल आपको देना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप रेडी हो जाइए लोकल साइट सींग के लिए, जिसमें आप चलेंगे सबसे पहले पत्थर साहिब। ये इट इज़ अ ब्यूटीफुल गुरुद्वारा है, कंस्ट्रक्टेड करवाया गया था मेमोरी ऑफ गुरु नानक जी की याद में। इसके बाद आप मैग्नेटिक हिल का विजिट करेंगे, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। द टू कलर्स ऑफ इंडस एंड जंस्कार रिवर, जहां पर मिलती है, वो आपको दिखाया जाएगा। इट इज़ अ अमेजिंग प्लेस, यहां पर आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं एक पिकनिक के तौर पर अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद ऑन द वे बैक, वापस लौटते समय आप विजिट कर सकते हैं हॉल ऑफ फेम, अ म्यूजियम बाय इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया एक म्यूजियम है जो बहुत ही एजुकेशनल है। उसके बाद शांति स्तूपा आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, विच होल्ड्स द रैलिक्स ऑफ बुद्धा, ये रिलीजियस आपका डेस्टिनेशन है। उसके बाद ये लोकेटेड है ऑन ए स्मॉल हिल, ऑफर्स अ सीनिक व्यू ऑफ लेह सिटी, पूरा आपको दिखाई देगा। यहाँ से वापस आइए होटल में, डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए लेह के अंदर। आइए दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 की आइटनरी बताने जा रहे हैं। इस दिन आप लेह से नुब्रा वैली वाया खारदुंगला पास होते हुए जाएंगे। खारदुंगला के बारे अगर आपने सुना हो इसके बारे में, तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है खारदुंगला, ये बताते हैं। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे नुब्रा वैली के लिए। ट्राई आर्म्ड वैली है ये, लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख वैली। यू विल गो थ्रू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास द खारदुंगला से आप होते हुए निकलेंगे। द एवरेज एल्टीट्यूड इसका है 10,000 फिट पर, 3,048 मीटर अबव है सी लेवल से। द ड्राइव इज अलॉन्ग, आपका जो रास्ता चलेगा वो शर्क रिवर के आसपास चलेगा, एंड इट्स रिवर डेजर्ट एंड ओसिस से आप होते गुजरेंगे। नुब्रा हैज़ एक्वायर्ड फेम फॉर इट्स सैंड एंड ड्यूस के लिए, ये बहुत ही फेमस है। द कोल्ड डेजर्ट डेट सराउंड इट आल्सो एंजॉय बैक्ट्रियन कैमल्स एंड इट्स ब्रेड टेकिंग नेचुरल ब्यूटी। डिनर करिए ओवरनाइट,
और इंजॉय करिए। अब चलते हैं, आपको डे फोर के बारे में बताते हैं जो इस पैकेज में इंक्लूडेड है। नुब्रा से आप जाएंगे लेह वापस इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट करिए, प्रोसीड करिए बैक टू लेह, फ्री पूरे दिन आप रिलैक्स करिए, शॉपिंग करिए और डिनर करिए, ओवरनाइट स्टे करिए लेह के अंदर। अगले दिन आप लेह से पेंगोंग और लेह वापस आएंगे। इस दिन आपको ब्रेकफास्ट करना होगा मॉर्निंग में उठ करके और आप प्रोसीड करेंगे पेंगोंग के लिए थ्रू चांगला पास जो 17,350 फीट की हाइट पर है। दिस इज थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड या पास है। आफ्टर दैट विजिटिंग द पेंगोंग लेक घूमने के बाद आप इंजॉय करिए कलर चेंजिंग लेक। आप इस लेक को इंजॉय कर सकते हैं पेंगोंग लेक को जो कलर चेंजिंग लेक है। सनसेट के टाइम पर आप यहाँ रहिए बैंक्स ऑफ लेक पर एंड आल्सो विजिट द मोस्ट फेमस थ्री इडियट पॉइंट जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी। और फिल्म की शूटिंग के बाद से ये पेंगोंग लेक पूरे विश्व पटल पर उभर करके आई। ऑन द वे रास्ते में वापस लौटते समय आपके पास ऑप्शन है कि आप शेयर प्लेस एंड थिक्सी मोनेस्ट्री वहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। वापस आकर के डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए लेह में। नेक्स्ट डे डे सिक्स पर मोनेस्ट्री का टूर है। इस दिन आप ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा मोनेस्ट्री टूर के लिए जिसे हम शे कहते हैं। दिस मोनेस्ट्री वाज आल्सो बिल्ट 1655 में इस मोनेस्ट्री को बनाया गया। द मोनेस्ट्री इज नोटेड फॉर इट्स जायंट कूपर विद गिल्डेड गोल्ड स्टैचू ऑफ सीटेड शाक्य मुनि बुद्धा। थिक्सी दिस मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर 11,800 फीट की हाइट पर है इंडस वैली के अंदर। थिक्सी मोनेस्ट्री लार्जेस्ट सच स्ट्रक्चर है इन सेंट्रल लद्दाख में, सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। हेमिस दिस मोनेस्ट्री इज अ तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के नाम से जानी जाती है। उसके बाद इवनिंग में आप फ्री हैं, शॉपिंग करिए और वापस लौट करके डिनर करिए, ओवरनाइट स्टे करिए होटल में। सेवन्थ डे यानी कि लास्ट डे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे और वापस लौट जाएंगे जहाँ भी जिस भी जगह से आप अपने घरों से आ रहे थे वापस उसी डेस्टिनेशन पे। आइए दोस्तों अब आपको होटल की डिटेल दे देते हैं। ये होटल की डिटेल है स्टैंडर्ड डिलक्स सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लेह में आपको जिम्मी जीएच माउंट कासल पैलेस व्यू शिमलर इसमें रिक्वायर जाएगा। पेंगोंग में वंडरलैंड कैंप, लद्दाख समर कैंप सिमिलर, नुब्रा में सन एंड सैंड कैंप माउंटेन कैंप या से सिमिलर। डिलक्स सुपर डिलक्स प्रीमियम आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्राइस की डिटेल पर जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों जैसे जैसे आपका ग्रुप का साइज इंक्रीज होता जाएगा आपके पर पर्सन की कॉस्ट सबसे कम होती चली जाएगी। और वैसे भी लेह लद्दाख जब भी कोई जाता है तो मोस्टली ग्रुप्स के अंदर ही टूर करता है और वही ज़रूरी होता है कि आप ग्रुप में टूर करें, फैमिली या फ्रेंड के साथ या ऑफिस के लोग जाएं। तो 10 पर्सन अगर मान लिए आप साथ में जा रहे हैं तो 15,000 रुपये पर पर्सन के आने वाले हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी में। और अगर आप दो लोग जा रहे हैं तो 28,000 रुपये पर पर्सन आने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग 4 लोग 19,500, 6 लोग 17,500, 8 लोग 16,000, 10 लोग 15,000, जो भी आपको सूट करता है कैटेगरी। डिलक्स के ये रेट हैं, सुपर डिलक्स के ये और प्रीमियम आप उसको चूज़ कर सकते हैं। कहने वाली बात है कम से कम आपको 15,000 रुपये अगर आप ग्रुप में जाते हैं 10 लोग के तो पड़ेगा, जो आई थिंक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। इतनी सारी फैसिलिटी को लेने के बाद आपको इतने कम चार्जेस में लेह लद्दाख घूमने को मिल रहा है, इससे कोई बेहतरीन बात नहीं है। मैं खुद जाने वाला हूँ इस टूर को लेकर के, मई के अंदर विजिट करूँगा और आपको आकर के बताऊँगा मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग भी इस टूर को बुक कराने के लिए वीडियो टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में आकर ट्रैवल कंपनी को कॉल कर सकते हैं और इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। टूर की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? लेह एयरपोर्ट का पिक एंड ड्रॉप, एकोमोडेशन इन डबल शेयरिंग बेसिस पे एकोमोडेशन मिलेगा जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर और स्टे आपका इंक्लूडेड रहेगा। फूड एट लेह विल बी वेज एंड नॉन वेज एज पर योर चॉइस होने वाला है। फूड एट पेंगोंग विल बी वेज ओनली आपको यहाँ पर मिलेगा। परमिशन, इनर लाइन परमिट, एंट्री फीस, वाइल्ड लाइफ फीस, इन्वायरमेंटल फीस सभी इसमें पहले से ही इंक्लूडेड हैं पैकेज के अंदर। अब आगे चल लेते हैं और जान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड फॉर लॉजिस्टिक एज एक्सप्लेन इन द शेड्यूल्ड अबव आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो नॉन एसी स्कॉर्पियो, जायलो या टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू करवाया जाएगा। ये अच्छे ग्रेडेड व्हीकल होंगे। बीइंग इन हाई एल्टीट्यूड व्हीकल्स हमेशा चलते हैं विदाउट एसी, इसलिए वहां पर आपको एसी नहीं मिलेगा।
एसी व्हीकल विल बी चार्ज, अगर आप चलवाते हैं तो ₹5 एक्स्ट्रा पर किलोमीटर आपको पड़ेगा। ड्राइवर कम गाइड मिलेगा जो आपको पूरे रास्ते पर गाइड करता रहेगा, गाड़ी चलाते हुए बहुत इंजॉय करने को मिलेगा। टूर में क्या क्या एक्सक्लूडेड है, कोई भी फूड जो बताया नहीं गया, कोई भी फ्लाइट के चार्जेस नहीं इसमें इंक्लूडेड है, मॉनेस्ट्री फीस, पर्सनल शॉपिंग, टिप्स, लॉन्ड्री इसमें इंक्लूडेड नहीं है, रूम सर्विस नहीं है इंक्लूडेड, एनीथिंग नॉट मेंशन जो ऊपर नहीं बताया गया वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पेमेंट पॉलिसी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी के नंबर पर कॉल करिए, पैकेज को बुक करवाइए और इंजॉय करके आइए अपनी लाइफ के सबसे यादगार ड्रीम डेस्टिनेशन को जो है लेह और लद्दाख। मिलते हैं इस तरह के अगले बहुत ही YT भारत के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे चैनल को मत जाना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।